दंतेवाड़ा के किरंदुल मेन मार्केट में रात को अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस आगजनी में एक बुजुर्ग निर्बल साहब बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। फायर फाइटर की टीम ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सब्जी, कपड़े, जूते, चप्पल की कुल 9 दुकानें इस आग की चपेट में आई, जिसकी वजह से 7 दुकानें पूरी तरह से जल गई। पीड़ित दुकानदारों को प्रशासन ने तत्काल क्षतिपूर्ति मुआवजा 1,70,000 रुपए दिया। सब्जी दुकान, फल दुकान था। अब लॉकडाउन में और कोई काम नहीं कर पा रहे, यही सब खोल रहे थे। अब कल रात में सुबह में ऐसा कांड हो गया, सब जगह राख हो गया है। पूरा घटना में सर, हम 3:30 पर आए यहाँ पर, तो मेरी दुकान में पूरा आग लगा हुआ था। मैं, मेरा दोस्त लोग बुझाए पड़े थे और बाकी भैया लोग भी बहुत हेल्प किया। हमारे NMDC की टैंकर आई, उसमें बुझाने में आग में कामयाबी मिला लोगों को। जिसका जो कारण ज्ञात नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट है या कोई और लापरवाही से कहीं आग लगी है, जिसमें से 7 दुकानें को नुकसान हुआ है। जिनका पटवारी के द्वारा पूरा प्रकरण तैयार करवा लिया गया है, जिनको मुआवजा राशि आज ही वितरित किया जाएगा शाम तक में।